हो गया है। हेलो गाइस, अच्छा कोई आया है? मैं कह रही क्या आवाज आ रही है। हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अब साफ है ना? और अभी मुझे लगी है भूख, मैं जा रही हूँ मैगी बनाने। बाहर कौन आया है? अच्छा, और आप लोग मुझे अपना ऊपर का जो है अनफर्निश्ड जो होम टूर है वो भी आज देना है। आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है गाइस? और मैं अभी मैगी बना के खाऊंगी, मेरा मन किया आज मैगी बना के खाने के लिए। तो और आज बहुत ही ज़रूरी आप लोगों से बात करनी है, कुछ चीज़ ऐसा मिला है जो मुझे आप लोगों को दिखाना है, बताना है। अच्छा, तुम ही दरवाज़ा खोली थी, तुम्हारी मम्मी आई है। तो अभी मैं थोड़ा मैगी बना लूँ, खा लूँ, और उसके बाद आप लोग से बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि वो बात आप लोगों को बतानी चाहिए, आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कभी भी ऐसी कोई बात हो तो आपको समझ में आए कि कामनी के खिलाफ क्या क्या साजिश हो रही है, वो भी प्रूफ के साथ। अभी मैं बना रही हूँ मैगी, ठीक है? मैगी कौन सा है? कुछ मैं ऑर्डर दी, ये वाला ही है। आएगा ही मुझे ऑर्डर में, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। 101 डाल, मुझे अभी किसी ने कमेंट किया हुआ था किचन को लेकर, शर्म नहीं आती मैंने उसको बोला, जिसने की शर्म उसके पीछे कर। ये पता है ये वाला लाइन ना, जब हम खाना वाना खाते थे ना, अगर हम किसी के घर जाएंगे और कोई ऐसी है, अरे शर्माओ नहीं शर्माओ नहीं, शर्माते नहीं है, खाना खा लेते थे। लोगों को पता है जिसने की शर्म उसके पीछे कर। बाद में जाओगे ना फिर उसके बाद तुम्हें वो लगेगा, या खा लिया होता, पेट नहीं भरा है, पेट नहीं भरा है। तो ये वाला डायलॉग हम बचपन से ऐसे एक दूसरे को हम पार्टनर देते हैं, ऐसे भाई बहन भी, और एक भोजपुरी में भी हमारे घर के लोग बोलते हैं, जैसे पापा जी हैं या पापा हैं, ऐसे लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं, पता है क्या, जो खाए में लग जाए वो अचवत में पछताए। मतलब खाए के टाइम के शर्माओगे ना, जब हाथ धोने जाओगे तब पछताओगे। इसलिए खाना घर पर खा लेना चाहिए, कहीं भी जाओ शर्माना नहीं चाहिए। इसी वजह से हम मैगी भर पेट खाएंगे। अब चलो हो गया, मैं अपना ये काम कर लूँ, फिर नेक्स्ट काम निकालती हूँ। नेक्स्ट काम मेरा क्या है? वीडियो का ही है जो बहुत ज़रूरी है, मुझे एक शॉर्ट शूट करना है। मेरा एक शॉर्ट्स पता है पर्पल पे आते हैं, लोगों के वीडियोस में आते हैं, लोगों के वीडियोस में आते हैं मेरा जो एक शॉर्ट्स है। पर कुछ मम्मी ने क्या बोलूँ ना, सब चीज़ बोल दूँगी। जो मेरा एक शॉर्ट्स है पर्पल का, वो एल्फ फूड मिलता है शायद, तो वो आते हैं जब मुझे वीडियो चलता है ना, उसमें वो ऐड आता है मेरा ऐड, मैंने दो तीन लोगों ने देख लिया। चलिए ठीक है, चलते हैं। बस बस ये अपने आप ही ऑन हो गया था गाइस। मैं यहाँ पे एक वीडियो शूट कर रही थी, इधर आओ जल्दी। मैं एक शॉर्ट्स शूट कर रही थी, धनु गए बुलाने। जल्दी आओ रवीना दीदी। जल्दी आओ। हंसते हंसते रोने लग गई, इसके आंखों से अपने आंसू, क्या बोलते हैं, हंसी रोक रखी थी, पूरा आंसू इससे निकलने लगे, इतना हंसी। मैं भाभी क्या क्या बोलती थी। एक शॉर्ट्स था डम डॉग का जो है, तो उसका वीडियो जो था वो मुझे शॉर्ट्स में शेयर करना था। तो उसमें है ऐसा अंडर आर्म जो होता है उसको क्लीन करने का, एल्बो को क्लीन करने का, नेक, हेयर, स्कल्पिंग सब पे लगाते हैं उसको। तो वही बात सुनकर इतना हंस रही थी है। मैंने बोला ठीक है हंस लो, पूरा एकदम आजू बाजू सब पूछने लगे। वो शूट नहीं हो पाया, तब मैं चाय पी रही थी, दूसरा फोन ले रखे थे, तुम्हारे पास फोन था ना, वो शूट कर लेती तुम्हारा रोते हुए। देखो फिर आंसू आ रहे हैं, फिर आंसू आ रहे हैं। धनु प्रवीणा दीदी रो रही थी ना, पंखा चला दो, बैठो। देखो ये दोनों दिन भर लगे रहते हैं, अब दोनों का शुरू हो गया। अब ये उनको बताते हैं, वो इनको बताते हैं।
तो गाइस मैगी बना के मैंने रख दिया था और उसके बाद मेरे लिए अर्जेंट था वो पर्पल का वीडियो शूट करना, जो कि शॉर्ट्स है, प्रमोशन वीडियो है, तो उसको शूट करना था, एडिटिंग करना था और अभी देना था। लास्ट डेट ही हो गया था तो फिर मैं फटाफट से उसको मैं करने लग गई और जब मैंने कर लिया तब मैं मैगी खाने बैठी और मैगी खाने बैठी यहाँ पर एडिटिंग वगैरह कर रही थी, एकदम से आवाज़ आया, फिर मैं भाग के गई तो देखिए क्या हाल है, आपके तक साइड क्या हुआ है। नहीं देखी, देखो देखो ज्यादा तगड़ा वाला हो रहा है। आप अंदर गाइस, पहले बहुत तेज तूफान आया और अब आ गई है बारिश और ये हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, इसी वजह से मुझे लग रहा है बारिश हो रही है। मैं बाहर जा रही, मम्मी डांट रही है कि आंधी वाली यार ऊपर कुछ गिर हो जाएगा सर पे, तो बहुत तेज बारिश हो रही है, सब कुछ गिर रहा है, आप देख सकते पूरा एकदम पेड़ वगैरह, तो इससे भी बहुत ज्यादा, इससे तो 10 गुना ज्यादा था अभी बारिश। बाबू ऊपर नीचे ढूंढने गया था, ऊपर हो और भैया लोग हैं ऊपर, काम कर रहे हैं। तो तुम गई कहाँ थी? मैं ऊपर गई थी, दरवाजा खुला हुआ था। अच्छा, आवाज उसी का आ रहा था। अच्छा, पानी लग गया? हाँ, गेट खुला था दरवाजा। मम्मी कह रही उड़ गई रवीना। किसके ऊपर? वो क्या कहते हैं, टूट गया? हाँ, उस पे देखो नीचे में। अच्छा, यहाँ अब ज्यादा नहीं जाना, मारेंगे दादी। तो गाइस आज बहुत तेज बारिश हुई है और आंधी तूफान आया हुआ है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, पेड़ टूट गए हैं, गाड़ियों पे गिर गई हैं तो गाड़ियाँ नुकसान हुई हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है। और मैं यहाँ पे बेडशीट लगा रही हूँ, इसका जो बेडशीट जो है इसका प्रमोशन करना है मुझे, ये भी रील्स वगैरह बनाने हैं, तो मैंने सोचा चलो अभी कर लेती हूँ, फ्री हूँ तो शाम का टाइम है, तो यहाँ पर मैंने बेडशीट लगाया। और आज बहुत ज़रूरी मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ, तो एक्चुअली मैंने सोचा ना कि मुझे ये बात आप लोगों के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आप लोग इस बात को समझ सको। जब आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना भरोसा किया है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये चीज़ आप लोगों को बता देनी चाहिए, और विद प्रूफ जो साइड में है ना, मैं वो प्रूफ लगा दूंगी। किसी ने कम्युनिटी पोस्ट किया हुआ था और उन्होंने बताया हुआ था, एक्सेप्ट किया हुआ था कि मेरे लिए ऐसा कुछ बोला गया है, आप ये कॉमेंट जो है आप इसे पढ़ो, पहले मैं लगा दूँ नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी। अब आप इस कमेंट को देखो और फील करो कि आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब इस हद तक कोई कैसे ये काम कर सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मुझे अब समझ में आया कि एकदम से रिएक्शन चैनल जो है क्यों चेंज हुए। मुझे पहले ऐसा लगता था कि जो रिएक्शन चैनल होते हैं ना, वो किसी के कांटेक्ट में नहीं आते हैं और अपना वीडियोस जो है वो देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जो लोग अपना चीज़ें अपनी चीज़ें बता रहे हैं, तो वो सही गलत उसका जो है डिफ़ाइन करते हैं उस चीज़ को, अपनी जो विचारधारा है, सोच है, उसको रखते हैं। क्योंकि जब रिएक्शन जो चैनल है उनके बारे में जब कुछ हुआ था, जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तब मुझे पता चला था कि अच्छा रिएक्शन चैनल होते हैं जो दूसरों पे अपने ओपिनियन रखते हैं और ऐसे बताते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मैं यूट्यूब पे हूँ तो क्या मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, जैसे भी मैं यूट्यूब पे हूँ लेकिन मैं अपना सिर्फ काम करती हूँ। मैंने पहले भी बहुत सारे व्लॉग में बोला है कि मैं सबका व्लॉग भी नहीं देख पाती, कभी कभार किसी का देख लेती हूँ तो देख लेती हूँ। इसी वजह से आप लोग देखना कि मेरे व्लॉग में इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता है, वही चीज़ें चल रही होती है। अब मैं ऑडियंस की बातें सुनती हूँ, वो लोग मुझे बताते हैं ये चीज़ ऐसे करो, तो थोड़ी चीज़ें जो है मैं चेंज ला रही हूँ।
वरना बहुत टाइम से आप लोग मुझे ऐसे देख रहे हो कि मेरा सिंपल नेचुरल जैसे शुरुआत की थी, ऐसे धीरे धीरे चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। तो मुझे रिएक्शन चैनल के बारे में यही पता था कि वो लोग जो है किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आते और अपनी ओपिनियन रखते हैं, लेकिन जब मैंने ये कॉमेंट देखा मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई कि मतलब मुझे क्यों, ये कहाँ का न्याय है ऐसा कि किसी को हराना है, चाहे उसकी गलती है नहीं गलती है, वो सबकी आपस की बात है, तो किसी भी निर्दोष का जिसकी कोई गलती ना हो उसको उसमें घसीट लो। मतलब मैं भी एक फैमिली वाली हूँ, आप भी फैमिली वाले हो, सबको साइड रख के अगर हम देखें, हम एक इंसान हैं और जब हम इंसान हैं तो फिर हमें हर्ट होता है, हम दुखी होते हैं, हमें दर्द होता है। आप खुद को रख के देखो, चाहे वो कोई भी है जो किसी के सिर्फ कहने पे कि कामनी को गलत बोलो, जितना बोल सकते हो कामनी को गलत बोलो, ये सिर्फ कहने पे अगर आप मुझे बोल रहे हो तो खुद को मेरी जगह पे रख के देखो और तब आपको महसूस होगा कि अगर किसी की गलती ना हो और उसको फिर गलत बोला जाए बिना किसी रीज़न के, मतलब रीज़न कुछ और हो, कोई और हो और उसे बोला जाए, तो कितना बुरा फील होता हो उस इंसान को। मैंने कभी भी, कोई भी रिएक्शन चैनल है, मैंने कभी भी किसी को कुछ नहीं बोला है, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि आप लोग रिएक्शन वीडियो मत बनाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। जो जो मैंने प्रोसेस किया था पिछली बार, लीगल एक्शन जो लिया हुआ था वो सिर्फ इसी वजह से मैंने लिया होता, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्सनल हो रही थी और ऐसी चीज़ें जो मैं सोशल मीडिया पर रख नहीं रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, उस पर आप अपनी ओपिनियन दे रहे हो तो ये बात गलत होती है। तो सिर्फ मैं यही चाहती थी और आज भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक मतलब आप इसे मेरा प्यार भरा रिक्वेस्ट समझ लो, आप ये चीज़ समझ लो कि ये चीज़ गलत है। अगर किस कोई भी इस चीज़ को अगर सोचेगा, देखेगा, जानेगा तो बहुत बुरा फील होगा। आप भी फैमिली वाले हो, आपके भी बच्चे हैं, है ना, तो ऐसा होता है। देखो अगर आपकी फैमिली में किसी को पता चलता है, अगर वो जाने कि हाँ ऐसे इस तरीके से किसी के साथ किया जा रहा है, तो सोचो कि उनको अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट आपकी है तो आपकी फैमिली को कितना बुरा लगेगा कि नहीं यार हमारी फैमिली ऐसे किसी के साथ नहीं कर सकती है। सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, आपके हस्बैंड आपको प्यार करते होंगे, आपके बच्चे आपको प्यार करते होंगे, आपके इन लॉज, आपके माँ बाप सब आपको प्यार करते होंगे। तो अगर इन्होंने, जिन्होंने ये पोस्ट डाली हुई थी, ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई ये पर्सनल पोस्ट है, ये पब्लिकली है, यूट्यूब पे डाला गया था, कम्युनिटी पोस्ट किया गया था, तो बहुत सारे लोगों ने इसे देखा भी होगा। ऐसा नहीं कि मैं हवा में तीर मार रही हूँ या पर्सनल कोई चैट है मेरे पास, मैं वो शेयर कर रही हूँ या बता रही हूँ, नहीं, ये पब्लिकली थी। इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ये जब आज मैं जो लोग भी मेरे लिए गलत बोल रहे हैं उनके लिए मैं फैमिली को इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने साफ सीधा लिखा और बताया कि इनके हस्बैंड को पता चला कि आप कि मैं वो गलत कर रही हैं, गलत है, ऐसे चीज़ों में नहीं पढ़ना है, तो उन्होंने पीछे ले लिया अपने आप को और बोला कि नहीं अब मैं ये सारे ऐसे कुछ काम नहीं करूँगी, तो इसलिए वो अपनी सफाई दे रही हैं। जैसे भी मैं यहाँ पे एक चीज़ कह सकती हूँ कि कोई भी ऐसा रिएक्शन चैनल नहीं है, आप जो भी रिएक्शन, मेरा जो वीडियो है ना, रिएक्शन चैनल वाले भी देख रहे होंगे जो अपने रिएक्शन देते हैं, अपने ओपिनियन रखते हैं, वो लोग भी मेरा वीडियो व्लॉग देखते होंगे और ये भी देख रहे हैं। तो आप लोग अपने अंतर आत्मा से पूछ के देखो, या आप मेरे सपोर्ट में हो या फिर आप मेरे खिलाफ़ में हो। कभी भी क्या मैंने आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, कभी किसी ग्रुप में मैं शामिल हुई, कहीं भी, मतलब कोई भी मुझे नहीं बता सकता इनमें से कि मैं किसी ग्रुप में शामिल हूँ, कि किसी से मैं चैट करती हूँ कि क्या करना है नहीं करना है, या फिर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं किसी से पर्सनल मैं ऐसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, मैंने किसी से कॉन्टेक्ट किया, मैंने बताया कि मेरे साथ ये है ऐसा है या किसी के साथ वैसा है वैसा है, आप बोलो, ऐसे बोलो, वैसे बोलो, कभी भी नहीं। मुझे इन सब चीज़ों से नहीं पढ़ना, मुझे इन सब चीज़ों से नहीं मतलब है, मुझे सिर्फ जब मैंने अपनी बात रखी थी तो वो सोशल मीडिया पे वो सारी बातें थी, लोग मुझसे पूछते थे, इसलिए मैंने अपनी बात रखी थी। अगर मुझे पता होता कि उसके बाद फिर ये सारे ऐसे कुछ होने वाला है तो शायद मैं उसे भी घूंट पी जाती, नहीं रखती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान बिल्कुल भर जाता है, उसका सब्र का जो बांध होता है वो टूट जाता है। मतलब मुझे अभी ये सोच के, जो मैं कॉमेंट सोचूँ उसको लेके इतना बुरा फील हो रहा है कि मैंने जो डाली हुई थी ना जो वीडियो, वो मुझे जब पता चला था ना शॉर्ट्स के बारे में, सॉरी स्क्रीन जो शॉर्ट मैंने लगाया है उसके बारे में, जब कम्युनिटी मैंने देखा था तो मैं बहुत हर्ट हुई थी और तभी मैंने वीडियोस वो जो डाला है एक रील, सच है कि दिल तो दुखा है ये वाला चीज़, मैंने तभी शूट कर लिया था, लेकिन मैं डाल नहीं रही थी। और कल मैंने डाला तो लोगों ने उसे गलत वे में कनेक्ट कर लिया, लेकिन मैं सच में उस चीज़ से बहुत दुखी थी कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, कि कोई मतलब मुझे गिराने के लिए इस हद तक,
मतलब मुझे क्यों यूज करना जब मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ कहीं से भी, तो फिर मुझे क्यों इन्वॉल्व करना, मुझे बुरा दिखा के किसी को क्या मिल जाएगा कि जितना मर्जी उतना उसको गलत बोलो। मतलब तभी मुझे समझ में आया कि जो इतने सारे रिएक्शन चैनल हैं वो किसी न किसी ग्रुप में शामिल हैं तभी वो ऐसे बोल रहे थे, क्योंकि अगर वो रियल में अगर सामने से अगर देखेंगे और जो चीज़ें देखेंगे उस पर बोलेंगे तो वो इस हद तक नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। मैंने ये नहीं कहती मैं 100% सही हूँ, कहीं ना कहीं तो मुझसे भी गलती होती होगी और वो सोशल मीडिया पे भी आता होगा, तो उन सारे पॉइंट को उठा के मुझे बोलना ये समझाना ये एक अलग बात है, और एक ऐसी बात है जो नहीं है, या एकदम से 360 डिग्री चेंज हो जाना कि एकदम से कामनी पॉजिटिव थी और एकदम से नेगेटिव हो गई, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, किसी भी इंसान को करेगी। और मैं बस यहाँ पे एक चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जिसने भी बोला है कि कामनी को गलत दिखाना है, उनकी दुश्मनी जिससे है वो दुश्मनी निकालें, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं किसी का मुझे नाम नहीं पता, इसलिए मैं यहाँ पे ना मैं खुद नाम ले रही हूँ और मैं अपने और ना ही मैं किसी को लेने के लिए बोल रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं अपने ऑडियंस से भी जो भी मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में किसी का भी नाम नहीं लो कि हाँ इसने किया होगा या उसने किया होगा, ऐसे किया होगा वैसे किया होगा, क्योंकि जब तक ये चीज़ें प्रूफ ना हो कभी किसी पे इल्ज़ाम मुझे लगता है ऐसे कि नहीं लगाना चाहिए कि हाँ इसने ही किया होगा या उसने ही किया होगा। जिसने भी किया होगा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा काम ना करें, क्योंकि सच हो या झूठ हो वो एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर मैं किसी के लिए भी ऐसा काम करूँगी ना तो वो कहीं ना कहीं से सामने आ जाएगा। मेरे लिए देखो किसी ने किया तो आया ना सामने, चाहे ऐसे हो जैसे भी हो तो वो सामने आ जाता है और इंसान हर्ट होता है कि यार मैंने क्या बिगाड़ा है, किसी का कोई मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है, मेरे लिए ऐसे करवा रहा है। तो अब मुझे ये रिएक्शन चैनल की भी सच्चाई पता चल गई कि इस तरीके से बहुत से चैनल से करवाया गया है मेरे लिए वो लोग। पर देखो मैं क्या ही बोलूँ, जिन्होंने करवाया वो करवाया उनकी गलती है, लेकिन जिन्होंने किया वो सिर्फ एक बार के लिए सोच लेते हैं कि ऐसा। मैं बस प्यार से आप लोगों से सिर्फ प्यार से ये बात कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों से कि एक बार मेरी जगह पे अपने आप को रख के देखो और सोचो कि इंसान को क्या फील होता है कि जब गलती ना हो और किसी और को गलत साबित करने के लिए किसी भी इंसान को ऐसे इस तरीके से यूज करना या बोलना या गलत बोलना। देखिए किसी को किसी की तारीफ़ करना अच्छी बात है, लेकिन किसी का बिना गलती का बुराई करना बहुत गलत है। हमारे जो हमारा कोर्ट है ना, वहाँ भी जो जज होते हैं ना जब वो फैसला सुनाते हैं तो वो भी एक बात कहते हैं कि हमारे इंडिया का ना ये चीज़ है कि 100 जो है गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बात वही हो गई ना, बेशक आप जो लोग गलती कर रहे हैं आप उन्हें छोड़ दो, उन्हें मत बताओ, उनकी गलतियाँ मत बताओ, उनके साथ जो रिएक्शन दे रहे हो गलत बोल रहे हो मत बोलो, लेकिन जो गलती नहीं कर रहे प्लीज़ उन्हें बख्श दो। तो अगर आप ऐसा काम करोगे ना तो इंसान की हिम्मत टूटती है। सोशल मीडिया पर हमें अच्छी चीज़ें दिखानी होती है, तो जो इंसान अच्छा दिखा रहा है अच्छा है तो उसको आप अगर गलत बता रहे हो तो वो भी हिम्मत उसका टूटेगा, वो फिर झुकेगा सोचेगा कि क्या करूँ नहीं करूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो, ये सबके लिए आप खुद सोचो। मैं कुछ एक दो रिएक्शन चैनल को बोलना चाहूँगी, चाहे देखो रिएक्शन चैनल वाले लेडीज़ हो जेंट्स हो भैया हो दीदी हो जो भी हो, है ना। तो अगर कोई और आपका भाई बहन है आपके लिए प्यार दिखा रहा है, आप उनके लिए प्यार दिखा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी लोग हैं वो आपके दुश्मन हो गए, ऐसा नहीं है ना। हम किसी को बहन मानते हैं या कोई हमारी बहन है तो हम उसको प्यार करेंगे, तो हम किसी और से नफरत नहीं करेंगे, हम सिर्फ उससे प्यार करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी बहन है। तो ये होता है सच्चाई और ये होता है ईमानदारी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखो। ये मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए दिखाया कि इन फ्यूचर जब ये बातें सामने आती है तो आप लोगों को पता चले कि हाँ मुझे भी पता था, मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ था और ऐसा चीज़ हो सकता है किया गया होगा। एंड यहाँ पे रिएक्शन चैनल जो है मैं उनके लिए एक बात अपनी कहनी चाहूँगी, पॉइंट रखना चाहूँगी कि जब आप सही रिएक्शन दे रहे थे तब आप अपना व्यूज़ देख लीजिए, पब्लिक का प्यार और सपोर्ट देख लीजिए कि सब आपको कितना प्यार करते थे, कितने अच्छे अच्छे कमेंट करते थे। और जब पब्लिक को लगा, जब आप जो रिएक्शन दे रहे हो बेशक आपको लग रहा हो कि वो सही है, लेकिन जब इतनी सारी पब्लिक अगर आपको गलत बोल रही है या आपको पता चल गया कि नहीं ऐसा नहीं है ये पर्सनल है या जो भी चीज़ें हैं, तो आप खुद से देख लो आपके व्यूज़ कितने ज़्यादा गिर गए, मतलब कि पब्लिक को समझ में आ गया वो देखना नहीं चाह रहे। तो कभी भी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ने के लिए अगर आप सही और सच का साथ दे रहे हो तो आप ज़रूर बढ़ोगे। मैं यहाँ पर मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप मेरे लिए बोलो मेरे पॉजिटिव बोलो तो या फिर अगेंस्ट मत बोलो तो ही बढ़ेगा, नहीं। आप अगर सही अपना जो चीज़ें हैं उसको उठाओगे, पॉइंट सही रखोगे, सही बातें बोलोगे तो ज़रूर ग्रो करेगा चैनल और बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपके व्यूज़ जो है आएंगे। और अभी जो है लोग ये सोचेंगे कि यार वहाँ पे तो पता ही नहीं चलता, बिना लॉजिक की बात की जाती है जैसे भी, तो लोग धीरे धीरे देखना छोड़ देते हैं। जब लॉजिक वाली
बातें होती है और सही बातें होती है तो सब लोग देखना पसंद करते हैं। अब खुद से ही मेरे ही चैनल से मिला लो कि जब पब्लिक को ऐसा लगता है यार क्या है नेगेटिव चीज़ें हैं तो हम नहीं देखते हैं इनका व्लॉग, है ना, एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, तीसरी बार से देखना छोड़ देंगे। जब उन्हें लगेगा पॉजिटिव है, नहीं कुछ सीखने को मिल रहा, जो बातें हैं इनकी सही है, तो फिर वो देखना शुरू करते हैं और देखते ही रहते हैं। तभी हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं ना वो एक्टिव होते हैं, नहीं तो वो डेड सब्सक्राइबर बन जाते हैं। तो बस मुझे यही चीज़ बतानी थी और मेरा आज का रखना भी सही था मेरी नज़र में। खैर आप लोग बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा, इसके आगे जो भी अपडेट होता है मैं ज़रूर बताऊंगी। बहुत दिनों तक, दो तीन दिन से मैं सोच रही थी मैं इस स्क्रीनशॉट को डालूँ ना डालूँ। बाद में डिसाइड किया मैंने कि नहीं मुझे डाल देना चाहिए, हमारी पब्लिक है, हमारी फैमिली, उन्हें भी पता होनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।